अजीब बात है, तुम्हारे दोस्त काफी बेताब लग रहे हैं जैक। उन्हें शायद यकीन नहीं होता कि झगड़ने वाले लुटेरों का एक झुंड फ्लाइंग डचमन जहाज को हरा सकता है। शायद इसलिए उनकी निराशा ही विश्वासघात में बदल गई हो। लेकिन तुम और मैं तो विश्वासघात के आदि हैं, है ना? वो यहां नहीं है जैक। क्या क्या नहीं है? डेवी जोन्स का दिल वो फ्लाइंग डचमन जहाज पर महफूज है, और इसलिए तुम उसका इस्तेमाल करके उस भले कप्तान का कर्ज नहीं चुका सकते। जहां तक मेरा ख्याल है, उसका हिसाब किताब हो चुका है। कैसे? तुम्हारी मौत से? लेकिन तुम तो जिंदा हो। ऐसा समझ लो कि वो एक भयंकर सपना था, तो हिसाब चुकता हो जाएगा। और अगर डेवी जोन्स को पता चल जाए कि तुम जिंदा हो, तुम चाहो तो इस राज के बदले एक सौदा कर सकते हो, ऐसा जिसमें तुम्हें कुछ भी देना ना पड़े सिवाय कुछ खबरों के। एक काम करो, मुझे लुटेरों की बिरादरी से अच्छा खासा मुआवजा दिला दो, डेवी जोन से मेरा हिसाब किताब बराबर करवा दो, और मुझे मेरी आजादी दिला दो बस। हाँ जरूर, ये तो काफी अच्छा सौदा है। अगर मेरे मुंह खोलने की नौबत आ जाए तो मुझे किस किस का पर्दाफाश करना है? हर चीज का। वो कहाँ मिलने वाले हैं? लुटेरों के सरदार कौन कौन है? उस 8 के 9 सिक्कों के पीछे क्या राज है? बेकेट ने वादा किया था कि ब्लैक पर्ल जहाज सिर्फ मेरा होगा। तुमने सोचा भी कैसे कि लॉर्ड बेकेट उस जहाज को छोड़ेंगे जो डचमैन को हरा सकता है? बड़े शर्म की बात है कि कंपनी वाले लुटेरों को दिए वादे नहीं निभाते, क्योंकि आजकल वादा निभाना बड़ी अनसुनी सी बात हो गई है। हारने वालों के साथ दोस्ती निभाने में कोई शान नहीं है, जीतने वालों का साथ देना ही अकलमंदी का धंधा कहते हैं। हारने वाले? अच्छा, उनके पास डचमैन जहाज है और ब्लैक पर्ल भी, और लुटेरों के पास क्या है? हमारे पास है कैलिप्सो। एक घिसी पिटी दंत कथा? नहीं, ये जान लो देवी खुद मौजूद है एक औरत के रूप में। जरा सोचो, अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए समुद्र की सारी ताकत हमारे पास है, उसका इस्तेमाल उन पर करूंगा। इसके लिए मुझे साथी लुटेरों के कवच चाहिए, सारे के सारे। तुम बारबोसा को रख लो और उसके टिंगू टकले मुंहपट और लकड़ी आंख वाले दोस्त को भी, और टर्नर, खासकर टर्नर को। बाकी सब मेरे साथ जहाज पर जाएंगे और मैं तुम्हें लुटेरों के पास ले जाऊंगा, जहां मैं सारे लुटेरों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा और तुम मुझे जोन्स के हवाले नहीं करोगे। बराबरी का सौदा है ना? और मिस एलिजाबेथ का क्या होगा?